हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 8 नऊ दे बैच का, जो कि हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे थे, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिया हुआ है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़े हमारे को 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो -2 से बड़े तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, -2 से बड़े होंगे। तो अपने मन से कोई से भी सोच के लिख सकते हो, जैसे -1 भी -2 से बड़ा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, आगे तक चलते रहेंगे। आप कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर उठा लो, जैसे कि 2/3 ले लिया, ये भी -2 से बड़ा होगा। अपने 1 से 1/2 ले लिया, ये भी क्या होगा, 3/4 ले लिया, ये भी क्या होगा, -2 से बड़ा होगा। तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आप कॉन्सेप्ट को समझो कि -2 से बड़ा लिखना है तो कोई से भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं दिए, उसने बाउंडेशन कैसे दे सकता था वो, कि उन दो नंबर्स के बीच में फाइंड करना होता तो फिर हमारे को लिमिटेड होते, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते थे। यहाँ पे तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनमें से कोई से भी लिख सकते हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, -2 से बड़े ही होंगे। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/10। तो आप यहाँ पे 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स का, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। तो हमारा मेजर फोकस है दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स को कैसे बनाएं इक्वल, तो आप चाहो तो दोनों के एलसीएम के इक्वल बना लो पहले। तो देखो, मैं 5 और 4, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 5, 4 वो आता है 20, तो इसको भी 20 बना रहा हूँ, इसको भी 20 बना रहा हूँ। तो 3/5 को 20 बनाना है हमारे को, तो क्या करना पड़ेगा, 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को भी 4 से, तो ऊपर बन गया 12, नीचे बन गया 20। अब अगर हमारे को 3/4 को क्या बनाना है, 20 बनाना है, तो हमारे को इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर बन गया 15/20। बट लेकिन अगर हम इसको इतना सा बनाएंगे तो इसके बीच में हम दो ही फाइंड कर पा रहे हैं, एक तो 13/20 रैशनल नंबर आएगा इन दोनों के बीच में, और एक 14/20। बाकी के हम कैसे फाइंड करें, तो हम एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक काम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा भाई, ये जो रैशनल नंबर था 12/20, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 48/60 वो 80। और ऐसे ही नीचे इसको 15/20 को करेंगे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 60 आएगा, और 20 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो ये अब इसके बीच में हम फाइंड कर सकते हैं, 50 डिवाइड बाई 80 और अप टू 59/80। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सोल्व कर लिए हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो आर एस अग्रवाल है उसके भी सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।